तो ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स में हमने मैट ब्लैक कलर कर दिया है। तो ये है स्विंग गन का फिनिशिंग, मैट ब्लैक है, साइन ब्लैक नहीं है। तो मैट ब्लैक में क्या होता है, मैट ब्लैक में फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये है मैट ब्लैक। तो अभी हम क्या करेंगे, सारे चीज़ों मैट ब्लैक के ऊपर होने वाला है। तो कमेंट आया था कि टैंक आप मैट ब्लैक करो, अगर बहुत सारा कमेंट ये भी आया था कि आप टैंक के ऊपर रेड कलर कर लो। तो टैंक के ऊपर हम रेड कलर करेंगे, टैंक और जो साइड पैनल है, ठीक है, ये तो व्हील कवर आ जाएगा, ये हट जाएगा, तो इसके ऊपर हम रेड कलर करेंगे। इसके ऊपर हम एक यूनिक सा रेड कलर करेंगे, जो कि है पहले हम इसमें सिल्वर कलर करेंगे, उसके बाद एक रेड क्लियर आता है, रेड लिकर वो स्प्रे करेंगे। तो इस टाइप से एक रेड कलर आता है, चेरी रेड बोल सकते हो उसको। तो उसका कॉम्बिनेशन मैं इसको बना रहा हूँ, यह है सिल्वर कलर, प्योर सिल्वर कलर है। तो ये है सिल्वर कलर, इसको हमने थिनर से पतला कर लिया है, और अभी इसको हम हार्डनर डालेंगे। उसके बाद इसको हम टैंक और साइड में स्प्रे कर देंगे, और हल्का सा सूखने के बाद हम इसके ऊपर रेड क्लियर ये अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, देखते हैं किससे के कलर निकल के आता है। अगर वैसे नहीं आता है तो हम इसको फिर से प्राइमर करके फिर हम इसमें ऊपर डायरेक्ट मैट ब्लैक कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कौन सा कलर कॉम्बिनेशन मतलब कैसा आता है। प्राइमर कराया जस्ट, ठीक है, प्राइमर करके इसे पुट्टी फिनिंग कर दिया, और यह सीड बाइंडिंग। सबसे पहले हम जो टैंक है इसको कलर करते हैं। ये हमने इसके ऊपर सिल्वर कलर मार दिया है पहला कोट। ऑलराइट गाइस, सारा पेंटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, और इसको हमने इसके ऊपर सिल्वर कोटिंग मारा है, जो मैंने दिखाया था आपको, और जो बाइक का फिनिशिंग आया है कलर का आप देख लो, टैंक और दोनों साइड पर हमने चेरी कलर में बोल सकते हो किया है, और बाकी सब कुछ हमने मैट फिनिशिंग किया है। और अभी इसका हम इसको फिनिशिंग देखो, ये वाला तो मैट में है, और अभी हम इसका जो स्टिकर है इसको उतारने वाले हैं, क्योंकि इसको हमको नहीं चाहिए, पहले पार्ट उतार देते हैं। और ये देखो व्हील हमारा कुछ इस तरीके से है, और हमने ये वाला सीट बाइंडिंग करवाया है। एज यू कैन सी पीछे देखो कितना इस तरीके से डिजाइन किया है, लॉक सिस्टम। तो ये वाला सीट हम उसमें यूज़ करेंगे, और बाकी इसका सब कुछ आ चुका है, जस्ट इसका फिटिंग बाकी है। तो जस्ट इसका फिटिंग बाकी है, बाकी इंजन का कलर तो मैं दिखा ही चुका ऑलरेडी, इसमें हमने मैट ब्लैक में किया है, और इंजन इस इंजन को अभी हमने चालू नहीं किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा इस चीज़ को अच्छे से असेंबल करेंगे, अलोंग विद इसको हम फिटिंग वीडियो तो आएगा नेक्स्ट वीडियो में, पूरा कंप्लीट वीडियो, और उस वीडियो में बाइक को स्टार्ट करके स्टार्ट भी करेंगे, और इसका साइलेंसर का कंडीशन ख़राब है, साइलेंसर को बनाना पड़ेगा, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, साइलेंसर कैसे बनता है, ठीक है, अगर ख़राब साइलेंसर है तो कैसे उसको हम मतलब वेल्डिंग वाले के पास जाके बना सकते हैं, वो उसका पार्ट भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं, सो गाइस मिलते हैं अगले पार्ट में जो कि फाइनल पार्ट होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।